दुर्गा, आज जो हुआ ना वो फिर नहीं होना चाहिए। तेरी दीदी की शादी के पास तेरे पेपर है, क्योंकि पास ना हुई ना तो तैयार रहना अपनी बुआ जी के साथ भिवानी जाने के लिए। और एक बात और, अब से थारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। इसलिए तने अमृता की शादी की तैयारियों से दूर रहना होगा। गुस्सा ठंडा करने की गरम गरम गोलियां। अल्ले, गुस्सा मैं कहा थी, गुस्सा तो आप ही थे, वो भी सबके सामने, जीजू के सामने मारी इज्जत की बेइज्जत कर दी। और वैसे भी मैंने जानबूझ के थोड़ी ना चलाया, वो तो पटोरियों को जलाते जलाते गलती से जल अल्ले। सॉरी। थन्ने के लग गए, थारा बाबा कुछ जानता समझता नहीं है के? ओ, टिंग लग रहे के मारे मत्थे पे, टिंग लग रहे के? अरे भाई बोल रहा हूँ, माफ कर दे। हरी, तू भी अपनी जगह ठीक है। अरे जानता हूँ तन्ने अपनी बहन की शादी का बहुत चाव से, इसीलिए तो मैं उसकी शादी की तारीख तेरे आखिरी पेपर के बाद रखना चाह रहा था। क्या करें, कुछ बातें इंसान के हाथ से परे हुए। सही बोला, सब किस्मत से ही हो गया। मैं चाहे जितनी भी सिर फोड़ मेहनत कर लूं, मारे हाथ में वो माथ वाली रेखा ही ना, तब कैसे पकड़ में आएगी मारे माथ। दिखा 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 दिखा। ना बेटा देख, जब भी तन्ने लगे ना कि तेरे हाथ की रेखाएं तन्ने धोखा दे रही हैं, तो अपने हाथ को ऐसे बंद करके मुट्ठी बना लेना, है? याद रखना, मुट्ठी खोलने से किस्मत टूट जाती है, और मुट्ठी बंद कर लेने से तो हिम्मत आ जावे है, और हिम्मत आ जावे है तो हाथ की रेखाएं इधर उधर नहीं जा सकती, और फिर उसके बाद तू मेहनत करके अपनी किस्मत बढ़ावेगी। पक्का? पक्का। अरे जब हमारी छोरी इतनी कोशिश करने को तैयार है तो मन ने भी थोड़ी कोशिश और करनी चाहिए। प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ। यशपाल, तेरी परेशानी का मैंने एक ही हल देखे से, और वो से कोचिंग क्लास। अब स्कूल की कक्षा में तो ढेरों बालक होंगे से, ऐसे में एक बच्चे पे ध्यान देना थोड़ा कठिन से, और कोचिंग क्लास में बच्चा अपनी तैयारी भी घने अच्छे तरीके से कर लेता है। तेरी बेटी दुर्गा घनी होशियार भी से। अभी कुछ दिन पहले मेरे से कह रही थी, सर जी आई एम ए गुड गर्ल, आई विल स्टडी हार्ड। पर सर जी, मैं तो घर की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाता हूँ जी, ऊपर से बड़ी बेटी की शादी भी सर पे है, तो कोचिंग की फीस तो भरना मेरे लिए थोड़ा। मेरी बात सुन, मैं तुझे एक सिफारिशी चिट्ठी लिख देता हूँ। वो अपने इलाके में ब्राइट कोचिंग सेंटर से ना, वहाँ सरस्वती चंद्र सर हैं, ये चिट्ठी तू उनको दिखा देना, वो तेरी फीस रियायत के साथ ले लेंगे। बहुत अच्छा हो जाएगा जी, बेटी ने पढ़ लिया तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी जी। आप ले, मैं लिख देता हूँ, ये ले जा तू। ले ले जा। बहुत मेहरबानी जी। ने कितनी बार बोल लिया है, काम के बीच में फोन मत किया कर, बोल क्या बात है।
अचानक से दुलारी जी कैसे आ गई? कितने हुए? 38 रुपए। मेरे पास छुट्टे नहीं है, 100 रुपए छुट्टे करा के देखे जाओ। ठीक से 38 रुपए, 38 में से 40 रुपए गए, बचे 2 रुपए। बाकी के बचे 52 रुपए। ना 52 ना 62 रुपए वापस करना से। वाह टू बाई टू, भगवान ने तारे माथे में दिमाग भेजा से या कंप्यूटर? मैं तो मर भी जाऊँ ना तो भी इतना जल्दी जवाब ना दे पाऊंगी। पता ना वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे ढपक ढपक करके जल्दी से जवाब बता दूंगी। बड़ी से बड़ी समस्या कितनी भी हो, बाबा बवंडर निकालेंगे समाधान। बाबा बवंडर की जय हो, बाबा बवंडर की जय हो। बड़ी से बड़ी समस्या कितनी भी हो, चुटकियों में समाधान निकालेंगे। बाबा बवंडर, जो भी यहाँ आएगा खाली हाथ नहीं लौटेगा। बाबा बवंडर की जय हो, बाबा बवंडर की जय हो। पर हम लोग सोच रहे थे कि बन बिहाने और सगाई की रसम, दोनों रसम एक साथ एक ही दिन हो जाती तो अच्छा हो जाता। एक ही दिन में दोनों रस्में, यो कैसे हो सकेगा? हमारे यहाँ तो बान ब्याने की रस्म के बाद अगर लड़के के घर गणपति जी ना बिठाए जाए तो हम तो कोई खरीदारी कर ही ना सके। तो सगाई की अंगूठी का क्या करेंगे? वैसे ये जो बान ब्याने की रस्म है बड़ी छोटी सी होनी है। इब जो रविवार आएगा उसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ गणेश जी की छोटी मूर्ति और थोड़ी सी मिठाई लेके हमारे घर आइए। अपने घर में कीर्तन और भजन करने के बाद हम सगाई की तारीख पक्की कर देंगे। आपको फालतू पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ना है। हाँ अच्छा जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है हम आ जाएंगे जी, आप जैसा बोलो हम आ जाएंगे जी। ठीक है फिर हम चलते हैं। राम राम। इसे कहवे से बिल्ली के पाछे सैर छुपाना, छोटे खर्चा के बाद मोटा खर्चा आवेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।